हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस, लेट्स क्रैक इट। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि इस समय कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और पढ़ाई कर पाओगे। तो ये है TGT 2021 का पेपर। आज हम इसमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिपेटाइटिस यानी यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, विषाणु, जीवाणु, फफूंद और शैवाल। तो यहाँ पर हिपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विषाणु। सॉरी, इसका राइट आंसर है विषाणु यानी कि वायरस। अच्छा, इसका यहाँ पर मैं हिंदी में यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगी वो हिंदी में डिस्कस करूंगी, लेकिन इसका इंग्लिश भी PDF मेरे पास है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों PDF में शेयर कर दूंगी। हिपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है, ये है विषाणु के द्वारा फैलता है। अब जैसे हिपेटाइटिस है, इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि जो जो हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर लीवर इस तरीके का हो जाता है। ये हेल्दी लीवर का पिक्चर है और ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, यानी कि जब लीवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हिपेटाइटिस हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो फिर जो है वायरल जो लीवर है, यकृत जिसे हम कहते हैं, वो इस तरीके का हो जाता है और ये है आपका हेल्दी लीवर। ओके, तो यहां पर जैसे कि आपने देखा पिक्चर में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर हिपेटाइटिस को बोलते हैं। और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि जब जो लिवर है उसके, लिवर क्या है, लिवर जो है लिवर टिश्यू के द्वारा बने हुए होते हैं, टिश्यू से ही मिलकर के अंग बनता है। तो जो लिवर टिश्यू है जब उनमें कोई डैमेज हो जाता है या फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से उन जो लिवर टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। यहां पर हाँ पिक्चर दिखाएं, तो ये जो लिवर टिश्यूज हैं, लिवर टिश्यूज से मिलकर ही लिवर बना हुआ है। ओके, और जब ये जो लिवर टिश्यूज हैं इनमें कोई जो है इंजरी हो गई या फिर कोई डैमेज हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ये स्वेल कर जाते हैं, लिवर टिश्यू की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंजरी या फिर डैमेज की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। ओके, अब जो आप ये होता है हिपेटाइटिस, ये दो प्रकार का होता है। ये हिपेटाइटिस दो प्रकार का होता है, एक है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। ओके, अब एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब, एक्यूट का मतलब हो गया जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। और ये चूंकि वायरस के द्वारा होता है, तो जो हिपेटाइटिस होता है वो ABCD और E कई प्रकार के होते हैं। हिपेटाइटिस ABCDE कई प्रकार के जो है हिपेटाइटिस होते हैं। और ये हिपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हिपेटाइटिस ए होता है, बी वायरस की वजह से हिपेटाइटिस बी होता है, सी डी ई, ये सब क्या है, वायरस के नाम है। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, सी डी और ई वायरस की वजह से हिपेटाइटिस होता है। ठीक है, इसके अलावा, ये तो इन वायरस की वजह से हो गया हिपेटाइटिस होता है, इसके अलावा और भी टाइप के हिपेटाइटिस होते हैं। एक तो होता है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक हिपेटाइटिस। ओके, और होता है टॉक्सिक हिपेटाइटिस, तीसरा है ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस। अब देखिए, जो अल्कोहलिक है तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, अल्कोहल की वजह से, यानी कि जब भी जो अल्कोहल है उसका ज्यादा कंजप्शन होने लगेगा तो अल्कोहलिक हिपेटाइटिस हो जाएगा। टॉक्सिक का मतलब है किसी पॉइजन की वजह से हो सकता है ये, टॉक्सिक का मतलब जहर समझ लो, तो टॉक्सिक पॉइजन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या फिर कोई मेडिसिन हो सकती है, और या फिर कोई भी सप्लीमेंट हो सकता है जिसकी वजह से जो आपके लिवर टिश्यू हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं।
और ऑटोइम्यून जो हिपेटाइटिस होता है, इनमें क्या होता है कि इसमें जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो ही जो है लीवर पर अटैक कर देता है, ओके। उसकी वजह से जो है ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये जेनेटिक हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल हो सकता है या फिर जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, ओके। यानी कि ऑटो इम्यून का मतलब है खुद की का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे ही शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वही लीवर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो इन वायरस की वजह से तो होता ही, इसके अलावा अल्कोहलिक टॉक्सिक और ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा, राजीव गांधी किशोरी या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या, देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो है, इनमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इसमें 75% रिजर्वेशन जो होगा वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी बालिकाओं, और 25% जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों यानी कि जो लड़कियां हैं उनको कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराना, ये पहला उद्देश्य हो गया, ठीक है। नामांकन में रजिस्ट्रेशन कराना, यानी कि 75% इनके लिए है और 25% जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं उनके लिए। और इनमें सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, सभी बालिकाओं के लिए आवास उपलब्ध कराना, लड़कियों के लिए पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराना, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। बालिकाओं के माता पिता अभिभावकों को प्रेरित करना ताकि लड़कियों को विद्यालयों में भेजे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाली जाति या समुदायों की लड़कियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे आदि मुफ्त में देना, ये सब इनके उद्देश्य हैं। ऐसी लड़कियों पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है यानी कि जिनका जो अनरजिस्टर्ड है, नामांकन जिनका नहीं है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है, बालिकाओं की दैनिक उपयोग वस्तुओं इत्यादि उपलब्ध कराना, और हर महीने 100 रुपए बालिकाओं के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा कराया जाना जिससे उनकी कुछ जरूरतमंद चीजों को पूरा किया जा सके, ये है इसके उद्देश्य। इसके अलावा इसमें नया क्या है, तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसमें नया ये है कि पहले क्या था, इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक ही कक्षाएं संचालित की जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं यानी कि इंटर तक की पढ़ाई हो सकेगी। पहले 6 to 8 ही था, अब लेकिन 12वीं तक जो है पढ़ाई होगी कस्तूरबा गांधी में, ओके। चलिए तो ये हो गया इसके कुछ पॉइंट्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से रिलेटेड, इसके उद्देश्य और इसमें नया क्या ऐड हुआ है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ती हैं, फ्लैश कार्ड में, फिल्म स्ट्रिप में, टेलीविजन या फिर ब्लैक बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है फिल्म स्ट्रिप, ठीक है। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है, फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, टेलीविजन तो आप जानते हो, टेलीविजन में क्या है, आप ऑडियो भी सुनते हो और वीडियो भी सुनते हो, यानी कि ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, तो ये दोनों ऑडियो विजुअल एड्स में दोनों में आता है। और ब्लैक बोर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको तस्वीरें यानी कि पिक्चर्स प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीविजन में दोनों होता है, पिक्चर्स नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑडियो वीडियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में होता है। और फ्लैश कार्ड और फिल्म स्ट्रिप ये क्या होता है, तो ये यहां पर हमें इसका पिक्चर दिखा देते हैं तो आप थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये है फिल्म स्ट्रिप, देखिए, मतलब जिससे आपने देखा होगा, ये इसको रील कहते हैं हम लोग, रील इस जनरल भाषा में इसको बोलते हैं। तो क्या होता है जब सॉरी जब हम पिक्चर लेते हैं यानी कि फोटो, पहले हम कैमरे का यूज करते हैं, अब तो क्या है, अब तो मोबाइल का यूज करते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन जो कैमरा का जो हम यूज करते हैं तो उसमें रील निकलती है, इस टाइप की रील होती है जिसमें कि जब इसको हम लेकर जाकर के इससे पिक्चर निकलवाया जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होती है, पिक्चर्स जो है आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, यानी कि जैसा आपने पिक्चर खींचा हुआ है उसको आप रील के माध्यम से, जिसको कि हम फिल्म स्ट्रिप कह रहे हैं, इसके माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। ओके, और यहां पर फ्लैश कार्ड, तो फ्लैश कार्ड की बात करें तो ये फ्लैश कार्ड है। देखिए फ्लैश कार्ड में क्या होता है, देखिए इसमें क्या पिक्चर्स होती है, आप मतलब कोई पिक्चर ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ठीक है, किसी को बच्चे को समझाने के लिए, या फिर किसी को भी, आप मान लीजिए कोई आप जो है क्या बोलते हैं, कुछ आपका मैसेज देना चाह रहे हो, ठीक है, किसी कार्यक्रम से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाह रहे हो, या फिर कोई स्टोरी सुनाना चाह रहे हो, या बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप फ्लैश कार्ड के माध्यम से उसको पढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर तीन दिए हुए हैं, ये सॉरी यहाँ पर तीन फ्लैश कार्ड दिए हुए हैं, ये एक पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों में क्या है, स्टोरी सुनाई जा रही है। जैसे कि आप किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो तो उसमें ये पिक्चर बना करके आपको जो है वहां पर उसको स्टोरी सुना सकते हो, फ्लैश कार्ड के, इसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं, जिसमें कि वन बाय स्टेप बाय स्टेप आप कोई कहानी और या फिर कोई भी जो है चीज आप जो है बता रहे हो, समझा रहे हो, या फिर किसी टॉपिक पर आप समझा रहे हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझाते हो फ्लैश कार्ड के माध्यम से। तो इसमें देखिए पहले पिक्चर में क्या है, मिसी वांट्स टू रैप अ प्रेजेंट, तो ये क्या कर रही है कि ये जो है कोई गिफ्ट है उसको रैप करना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस पिक्चर के माध्यम से ये पहला दिखा दिया, दूसरे स्टेप में ये रैप कर रही है, अब तीसरे में क्या कर रही है, इसके ऊपर बो बांध रही है, और चौथे में ये अपनी माँ को गिफ्ट दे रही है। तो इस तरीके से इस पिक्चर के माध्यम से आप जो है कोई स्टोरी बता रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो इसको फ्लैश कार्ड कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ये होता है फ्लैश कार्ड, ठीक है। तो आप समझ गए, फ्लैश कार्ड में आप कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो, और फिल्म स्ट्रिप में आप जो पिक्चर ले रहे हो वही आप रील के माध्यम से, फिल्म स्ट्रिप में तस्वीरें आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देख सकते हो। फिर आता है यान का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको कहते हैं यान की संख्या, यानी कि यान नंबर। फिर आता है सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, साधन मूल्य है, आंतरिक मूल्य, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, तो ये होम मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, वैल्यू गोल स्टैंडर्ड। तो वैल्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रेंसिक। तो साधन मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गया वैल्यू या फिर मूल्य का, और आंतरिक मूल्य जिसे कि हम इंट्रेंसिक कहते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू। तो दो टाइप के मूल्य होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रेंसिक, जैसे कि हिंदी में हम साधन मूल्य और दूसरा आंतरिक मूल्य कहते हैं। तो सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, तो सुंदरता जो है वैसे तो जनरली हम क्या करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा गोरा है देखने में, मतलब उसके फेस से हम जज करते हैं कि वो सुंदर है या फिर नहीं है, लेकिन रियलिटी में जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो इनर ब्यूटी होती है, यानी कि वो एक आंतरिक मूल्य होता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से सुंदर है तो वो बाहर से भी सुंदर हो जाता है। क्या होता है, जैसे आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे तो उनमें कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, तो जो व्यक्ति जिसका डल कॉम्प्लेक्शन है, तो क्या होता है जब पहली बार हम उससे मिलते हैं तो उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं, मे बी वो हमें अच्छा भी ना लगे। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा फ्रेंड है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है, तो वो हमें अच्छा लगने लगता है पहली बार में, लेकिन जब आप उसके साथ में रहते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो जो डल कॉम्प्लेक्शन है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो आपको पहले पसंद था, जिसका फेस तो बहुत सुंदर है, बाहर से तो वो सुंदर है लेकिन अंदर से वो सुंदर नहीं है, क्योंकि अंदर से जो है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, जब आप साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो धीरे धीरे जो डल कॉम्प्लेक्शन था वो आपको अंदर से तो वो सुंदर ऑलरेडी था, अब आपको बाहर से भी वो सुंदर लगने लगता है, वो आपको अच्छा लगने लगता है। वहीं दूसरा जो है वो आपको कितना भी सुंदर हो वो आपको नहीं पसंद आता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जो सुंदरता होती है वो अंदर से होती, इनर ब्यूटी होती है। तो ये क्या है, आंतरिक मूल्य है। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, ना कि साधन मूल्य। फिर है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो देखिए बीसीजी का टीका जो है, ये टीके के बारे में हम पहले, इसके पहले जो हमने पीजीटी का पेपर डिस्कस किया हुआ था उसमें हमने पूरा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण डिस्कस किया हुआ है। पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर वहां पर भेज दिया है, सेंड कर दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, और डिस्कस भी हमने किया है। तो
तो वहां पर हमने बताया था ये कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो ये करता है तपेदिक यानी कि टीवी से, ट्यूबर क्लोसिस। तपेदिक को हिंदी में कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस यानी कि टीवी। तो बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए होता है, ठीक है। वहां पर आप जो है आप उस पीडीएफ से पूरा आप डिटेल में टीकाकरण पढ़ सकते हो, वहां से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर 7 क्वेश्चन शारदा एक्ट संबंधित है, विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या फिर इन सभी से। सॉरी, शारदा एक्ट ये है बाल विवाह से संबंधित, इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। शारदा एक्ट, ठीक है, तो जो शारदा एक्ट है हाँ, जो शारदा एक्ट है उसको कहते हैं बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, ठीक है। ये तो आपका हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है, ये जो यहाँ पर विधवा विवाह दिया गया है उसके बारे में था। अब बाल विवाह की अगर हम बात करें तो ये जो है किसके अंतर्गत आया है, ये आया था पहले बाल विवाह, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, प्रतिबंध अधिनियम 1929, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, ठीक है। अब ये जो पास हुआ था, ये पास हुआ था 28 सितंबर 1929 में, ये 28 सितंबर को, 28 सितंबर 1929 में ये पास हुआ था, ठीक है, ओके। और इसको जो है 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया, 1 अप्रैल 1930 को ये लागू किया गया, ठीक है। पास तो हो गया था 28 सितंबर 1929 में, लेकिन 1 अप्रैल यानी कि लगभग 6 महीने के बाद में 1 अप्रैल 1930 को इसको लागू कर दिया गया। और किसके अप्रूवल पर ये लागू किया गया था, लॉर्ड इरविन के अप्रूवल पर, लॉर्ड इरविन, इनके जब इन्होंने इसको अप्रूव्ड किया तो तभी इसको जो है 1 अप्रैल 1930 को लॉर्ड इरविन के अप्रूवल पर इसको लागू कर दिया गया। हाँ, और इसमें जो एज रखी गई थी वो गर्ल्स के लिए रखी गई थी 14 इयर्स, पहले की बात कर रहे हैं, और बॉयज के लिए जो एज रखी गई थी वो रखी गई थी 18 ईयर, ठीक है। हाँ, और इस पर इसका जो, इसी को शारदा एक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको शारदा एक्ट, क्योंकि इसको स्पॉन्सर किया था हरविलास शारदा जी ने, हर विलास शारदा, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था, इसी वजह से इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया, ठीक है। वैसे इसका नाम है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, लेकिन हरविलास शारदा जी ने इसको स्पॉन्सर किया था, इसी वजह से इसको शारदा एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। 28 सितंबर 1929 को पास हुआ, 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ, किसके अप्रूवल पर, लॉर्ड इरविन के अप्रूवल पर। गर्ल्स की एज उस समय रखी गई थी 14 साल, और बॉयज की एज मतलब शादी की एज थी 14 साल लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 18 साल रखी गई थी। उसके बाद में फिर जो एक्ट आया, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आपने पढ़ा होगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, ये आया 2006 में। इसके अंतर्गत जो एज थी उसको बढ़ा दी गई, बॉयज की कर दी गई 18 साल, और गर्ल्स की कर दी गई 18 साल, ठीक है, और बॉयज की कर दी गई थी 21, जो कि अभी तक ये चल रहा है। अभी अब क्या है, अभी भी लड़कियों की एज को 21 साल करने पर डिस्कशन चल रहा है, तो मे बी ये पास भी हो सकता है, लड़कियों की भी 21 साल हो सकती है, ठीक है। तो पहले 14 साल 18 साल थी, लेकिन बाद में जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया तो उसमें इसको 18 साल और इनकी उम्र 21 साल कर दी गई, ओके। अब यहां पर हम बात करें अगर विधवा विवाह की, हाँ एक चीज और बता दें, सती प्रथा जो है ये इसको लाया था किसने, इसको लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम, ये पूछ लेता है, लॉर्ड
विलियम बेंटिक इनके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। अब हम बात करें विधवा विवाह की, तो इसको हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बोलते हैं। ओके एक मिनट, हाँ, तो इसको कहते हैं ओवरव्यू ऑफ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ये आया था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर। इसको जो हिंदू रीमैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विधवा विवाह जिसे हम कह सकते हैं, ये 1856 में आया। इस एक्ट को एक्ट 15, ये 10 और ये 5 है, तो एक्ट 15 1856 भी कहते हैं। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर के जितनी भी टेरिटरीज आती थी उन सभी में जो है इसको लागू किया गया था। और ये पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इसको पास किया था। और इनएक्टेड यानी कि अधिनियम जो बना था ये 26 जुलाई 1856 को बना था, और ये शुरुआत भी इसकी हुई 26 जुलाई 1856 से। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज है हमने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो कि 31 दिसंबर 1600 में आई थी उसके अंडर में जितने भी रीजन आते थे सभी रीजन में इसको लागू किया गया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, हमारे भारत के उस टाइम पर, वो थे लॉर्ड कैनिंग, तो इनके द्वारा ही इसको पास किया गया था। ठीक है, लेकिन किसके एफर्ट पर जो है इसको पास किया गया, तो उसके लिए इस एक्ट को लाने के लिए, हिंदू विडो रीमैरिज यानी कि हिंदू विधवा विवाह, इसको लाने के लिए जो प्रयास किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रयास किया था। उनके अथक प्रयासों के बावजूद, ठीक, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अथक प्रयासों के वजह से जो है, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे हमारे यहाँ के लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इसको पास किया था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। 0 से 2 साल, 2 से 6, 6 से 9, 2 से 12। तो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा बच्चा सीखता है 0 से 2 साल की एज में सीखता है। ठीक है, अब जो ट्रायल एंड एरर थियरी है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, ये दिया गया है किसके द्वारा, ये थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया, जिन्हें कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म है एडवर्ड ली, ई.एल. थॉर्नडाइक भी इनको कहते हैं, जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इनके फादर कहे जाते हैं ई.एल. थॉर्नडाइक। तो इन्होंने ही ट्रायल एंड एरर थियरी दी, जो कि लॉ ऑफ एक्सपीरियंस पर ये आधारित थी। जो ये थियरी इन्होंने दी थी प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, ये आधारित थी किस पर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर आधारित थी। ठीक है, अब इन्होंने जो नियम दिए थे, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है, यानी कि प्राइमरी 3 थे और सेकेंडरी जो है 5 नियम दिए थे, तो उसको हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चा जितना प्रयत्न करता है, जितने ट्रायल्स ज्यादा से ज्यादा करेगा, जितनी ज्यादा ज्यादा कोशिश करेगा, जितना ज्यादा प्रयत्न करेगा, उसके उसमें जो है भूल की का जो परसेंटेज है उतना ही कम होता जाएगा। यानी कि जितना हम प्रयास करते जाते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा जो एरर है वो उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रायल बढ़ेगा तो, ट्रायल अगर बढ़ेगा तो एरर कम होगा, ये इनका कहना था। और सही बात है, जब हम आज ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं तो फिर जो है हमारा जो
मतलब भूल है, एरर है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, 1898 में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, और उसी के बेस पर इन्होंने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत यानी कि ट्रायल एवं एरर थियरी दी थी। अब इसको जो है, इनके जो सिद्धांत है उसको कई नामों से भी जाना जाता है, तो ये यहां पर आप देख सकते हो, ये है, ये कई नामों से इनके जाना था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या फिर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी, ठीक है, और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं इसको, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी, सीखने संबंधों का सिद्धांत, बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, ये थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म, अनुबंधन का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, एस आर थियरी कहते हैं जिसे कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी, ठीक है, और संयोजनवाद का सिद्धांत। तो जो इन्होंने ट्रायल एवं एरर थियरी दी है उसके ये अलग अलग नाम है, तो कई सारे नामों से उनको जाना जाता है। फिर आता है द्वितीयक रंग क्या है। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग है, लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग है, नीला काला सफेद के मिश्रण से बने रंग है, या फिर सभी। तो द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर कौन से हैं, तो पहला है प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो बनाए गए रंग होते हैं उनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। तो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए यहां पर है ये पिक्चर, प्राइमरी येलो ब्लू और रेड ये प्राइमरी कलर होते हैं, और सेकेंडरी कलर जो कि प्राइमरी कलरों से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो येलो ब्लू और रेड है, येलो और रेड से मिलकर के ऑरेंज बनता है, ठीक है, रेड और ब्लू से मिलकर के वॉलेट बनता है सेकेंडरी कलर, और ब्लू और येलो से मिलकर के बनता है ग्रीन। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी कलर है ऑरेंज, वॉलेट और ग्रीन, और टर्सरी जो कलर होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि येलो और येलो ऑरेंज, सॉरी येलो और ऑरेंज से मिलकर के येलो ऑरेंज, ये टर्सरी कलर है, रेड ऑरेंज ये टर्सरी है, रेड वॉलेट टर्सरी है, ब्लू वॉलेट टर्सरी है, ब्लू ग्रीन टर्सरी है, और येलो ग्रीन टर्सरी है, ठीक है। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब जिसमें कि सिंगल कलर है, इस वजह से इसको प्राइमरी कह रहे हैं, सेकेंडरी मतलब ये दो कलर से मिलकर के बन रहे हैं तो सेकेंडरी कलर है, और टर्सरी जो है ये तीन कलर, यानी कि प्राइमरी में सिंगल कलर है, सेकेंडरी में दो कलर है, तो ये हो गए तीन कलर, तो तीन कलर से मिलकर के बन रहे हैं आपके टर्सरी कलर, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग को सेकेंडरी कलर कहते हैं। फिर है 10वां क्वेश्चन, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, या फिर चार पट्टी की। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए दो पट्टी की जरूरत पड़ती है, टू बैंडेड की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा सिर पर के पट्टी बांधने के लिए भी दो पट्टी की जरूरत पड़ती है, और दो पट्टी की जरूरत और भी किस लिए पड़ती है, ये पड़ती है शोल्जर इंजरी के लिए भी जो है दो पट्टी बांधी जाती है, ठीक है। और इसमें जो कपड़े के पीस होते हैं वो दो पीस होते हैं, एक पट्टी में कपड़े के एक पीस होते हैं, और ये जो है हैंड इंजरी के लिए यानी कि हाथ पर अगर कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए, और थंब अंगूठे पर अगर चोट लगती है तो उसकी इंजरी के लिए एक पट्टी बांधी जाती है। तीन पट्टी की अगर बांध करें तो इनमें तीन पीस जो है कपड़े के टुकड़े होते हैं, और ये एंकल इंजरी के लिए होता है, एल्बो इंजरी के लिए होता है, और नी इंजरी के लिए होता है, ठीक है। तो इसकी इंजरी के लिए जो है तीन पट्टी बांधी जाती है, और चार पट्टी कहाँ बांधी जाती है, चार पट्टी जो है ये चेस्ट पर बांधी जाती है, चेस्ट पर कोई इंजरी हो जाए, या फिर थाई पर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पर बांधी जाती, या फिर जो भी लार्ज एरिया है अगर वहां पर कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई है, तो वहां पर जो है चार पट्टी बांधी जाती है, यानी कि फोर बैंडेजेस, ओके। चलिए अब आते हैं, आईसीएमआर ने 2020 आरडीए सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है, 30, 25, 35 या फिर 40 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर है 30 ग्राम, और यहां पर मैं साथ में आपको जो ये आरडीए की रिपोर्ट है निन के द्वारा, निन और आईसीएमआर के द्वारा दी गई है, तो इसमें इन्होंने, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका हम मैंने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, तो वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हो। आरडीए 2020 को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसका वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर के इसका वीडियो देख सकते हो, डिटेल में इसको पढ़ सकते हो आरडीए को। देखिए यहाँ पर डाइट्री फाइबर दिया गया है, तो डाइट्री फाइबर
फाइबर में इन्होंने लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम कमेटी कंसीडर्ड रिकमेंडेशन फॉर द फाइबर बेस्ड ऑन एनर्जी इनटेक एंड द लेवल ऑफ अबाउट 30 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरी हैज बीन कंसीडर्ड एज सेफ इनटेक, यानी 2000 कैलोरी पर 30 ग्राम जो है फाइबर लेना है ये क्या है, सेफ इनटेक है। तो पहली बार क्या है जो 2020 का आरडीए है उसमें इन्होंने फाइबर को ऐड किया है। अभी तक क्या था जो 2010 का आरडीए था उसमें आप अगर देखोगे तो कहीं भी फाइबर को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन इसमें इन्होंने डायट्री फाइबर को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन और विमेन के लिए इन्होंने दिया हुआ है, मेन के लिए सेडेंटरी 32 दिया है, 41 दिया है, 52 दिया है, और विमेन के लिए 25, 32 और 41। ठीक है, तो यहां से आप जो है डायट्री फाइबर को देख सकते हो आरडीए में जा करके। ओके, तो 2000 किलो कैलोरी पर पूछा है तो ये होगा 30 ग्राम। फिर है पारिवारिक साधन के प्रकार है, मानवीय अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, या फिर लचीले और गैर लचीले, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो पारिवारिक साधन का मतलब है फैमिली रिसोर्सेस, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे फैमिली रिसोर्सेस। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय, यानी कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ ह्यूमन एवं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को। ये यहाँ पर देखिए साधन यानी कि रिसोर्सेस, तो देखिए ये जो है अलग अलग लोगों के द्वारा इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। निकोले एवं डॉर्सी ने अलग किया है, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने अलग किया है, जो होम इकोनॉमिक सेमिनार हुआ था उनके अनुसार अलग है। तो निकोले एवं डॉर्सी के अनुसार इन्होंने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन इन्होंने भी कहा है, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने भी ह्यूमन एवं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में इसको क्लासिफाई किया है। होम इकोनॉमिक सेमिनार के अनुसार इसको सामाजिक, व्यक्तिगत और ये जो है वस्तुएं या फिर उपकरण, ठीक है, इनमें जो है इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब जो निकोले एवं डॉर्सी हैं और ग्रॉस एवं क्रैंडल है, इन्होंने मानवीय में देखिएगा निकोले एवं डॉर्सी ने क्या रखा हुआ है और ग्रॉस एवं क्रैंडल ने क्या रखा हुआ है। निकोले एवं डॉर्सी ने मानवीय में रखा है रुचियां, ज्ञान, कौशल, शक्ति, योग्यताएं और अभिवृत्तियों को रखा है। अमानवीय में समय, धन, वस्तुएं और सामुदायिक सुविधाएं रखी हैं। ग्रॉस एवं क्रैंडल ने मानवीय में समय, शक्ति, रुचियां, योग्यताएं, कौशल और ज्ञान रखा है, और मानवीय में धन, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक सेवाएं रखी हुई है। और इन्होंने जो है सामाजिक, व्यक्तिगत में रुचियां, वृत्तियां, विश्वास, आस्थाएं और धारणाएं हैं, और इसमें जो है वस्तुएं और उपकरण है। तो देखिये जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है निकोले एवं डॉर्सी और ग्रॉस एवं क्रैंडल ने, तो इन्होंने समय को जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर समय, तो देखिये निकोले एवं डॉर्सी ने समय को रखा है नॉन ह्यूमन में, ठीक है, और ग्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को रखा है ह्यूमन में यानी कि मानवीय में। तो यही डिफरेंस है दोनों में, निकोले एवं डॉर्सी के द्वारा समय को नॉन ह्यूमन में रखा गया और ग्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को ह्यूमन में रखा है। ठीक है, तो ये हो गया मानवीय एवं अमानवीय दो प्रकार के। फिर आता है जब फ्लोट वापयान से बनता है तो कहलाता है सैटिन, सटीन, रिबुना या फिर दोनों। जब फ्लोट वापयान से, ठीक है, वापयान का मतलब हो गया ताना, धागा, ये हिंदी भी सही से नहीं लिखते हैं। जब जो फ्लोट है वो ताने धागे से यानी कि वापयान से बनता है तो उसको कहते हैं सैटिन बुनाई, और जब फ्लोट बाना धागे से बना हुआ होता है, इट मीन्स वेफ्ट यान से बना होता है, तो उसको कहते हैं सटीन बुनाई। तो ये आपने पढ़ा होगा जब जो है कपड़े में जो वार्प फेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि फ्रंट पर अगर वार्प यान दिखाई पड़ता है तो उसको सैटिन बुनाई कहते हैं, और अगर उस पर वेफ्ट यान जो है फेस पर होता है जिसे कि वेफ्ट यान फेस्ड भी कहते हैं तो उसको सटीन बुनाई कहते हैं। ठीक है, और जो रिब बुनाई होती है तो ये इस तरीके की होती है, यहां पर आप देख सकते हो, ये है रिब बुनाई। ठीक है, इस तरीके की होती है रिब बुनाई, ये तो सिंपल है, वन इंटू वन रिब बुनाई है, इस तरीके की होती है जब आप जो है निटिंग करते हो, बुनाई करते हो, तो ये जो पोर्शन है ये बैक वाला पोर्शन है। रिब बुनाई का मतलब आप ये भी कह सकते हो जो बैक वाला पोर्शन है। तो जब आप स्वेटर वगैरह बुनते होगे तो उसमें देखते होगे इस तरीके से होता है। इसके अलावा
और भी कई तरीके की जो ये होता है रिब बुनाई होती है वो कई तरीके की होती है, अलग अलग डिजाइन्स होती है, इस तरीके की भी होती है, इस तरीके से ये है, अलग अलग डिजाइन है रिब बुनाई के। हाँ, एक जो खास बात है रिब बुनाई की, जो भी रिब बुनाई से कपड़े बने होंगे उसमें क्या होगी, धारी जैसे डिजाइन बने होंगे, यानी कि लंबी लंबी धारियां बनी होंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो जितनी भी रिब बुनाई है सब में क्या है, धारियां बनी हुई है, डिजाइन अलग अलग है लेकिन सब में धारियां बनी हुई है। ठीक है, तो ये खास बात है रिब बुनाई में कि उसमें जो है क्या होंगी, धारियां बनी होंगी। इसका एक ड्रेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखो इस तरीके की ड्रेस होती है रिब बुनाई में, ये दिख रहे हैं आप, ये धारियां दिख रही हैं, तो ये जो है रिब बुनाई का ड्रेस है। ओके, चलिए अब आते हैं। शिशु मृत्यु दर की गणना डैश की जाती है किससे, जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, या फिर 1000 के आधार पर, या फिर विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, या फिर जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, इंग्लिश में कहेंगे इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, IMR शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। इसका एक फॉर्मूला भी है, ये आप देख सकते हो, IMR इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000, यानी 1000 लाइव बर्थ पर की जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि कोई भी ईयर ले लिया, मान लीजिए 2022 अभी चल रहा है, तो 2022 में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, एक साल तक के जितने भी बच्चों ने 2022 में जन्म लिया है उसको नीचे रखेंगे, और ऊपर जो है जितने भी उसी 2022 में जो एक साल तक के कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है, नंबर ऑफ डेथ उसी ईयर में 2022 में एक साल तक के बच्चों कितनी डेथ हो चुकी है उसको ऊपर रखेंगे, इंटू 1000 कर देंगे, तो यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, फिर आता है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तो इसका शुभारंभ किया गया था 2005 में। ठीक है, अब ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हम कह सकते हैं या फिर इसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कह सकते हैं। ठीक है, जिसे कि आप NRHM के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर आप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसको NHM यानी कि राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी कहते हैं। अब NHM को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, को मिलाकर शुरू किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके अंतर्गत NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये दोनों नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2005 में ही शुरू कर दिया गया था, और ये शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि ओवरऑल ये 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया गया। अब क्या है कि इसके अंतर्गत जो मुख्य कार्यक्रम है वो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रजनन मात्र नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य, यानी कि RMNCH+A का मतलब है यहाँ पर रिप्रोडक्शन मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, प्लस ए का मतलब है एडोलसेंट यानी कि किशोर स्वास्थ्य, तथा संचारी यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज और गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। यानी कि ये सब जो है, इन सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है, और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सब की जिम्मेदारी जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है, इनमें जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं तो वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया,
मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसी के अंतर्गत आता है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों जैसे कि मलेरिया, डेंगू, कालाजार, कुष्ठ रोग आदि संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है। इसके अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इसके अंतर्गत कुछ मुख्य कार्यक्रम भी हैं जो कि शुरू किए गए, वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क निदान सेवा पहल प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों यानी कि MMU और टेली परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत भी इसी के अंतर्गत है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी के अंतर्गत आती है। ओके तो ये है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम आते हैं। फिर है उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई, तो ये 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, यहां पर इस अब हाँ यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है उज्ज्वला स्कीम से, तो उज्ज्वला स्कीम किस लिए स्टार्ट की गई। ठीक है, तो ये जो उज्ज्वला स्कीम है ये मुफ्त सिलेंडर जो है जो महिलाएं हैं उनको प्रदान किया गया है इसके अंदर, इसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी कहते हैं। अच्छा एक चीज और, हम यहाँ पर जो रिब बुनाई में हम आपको बता रहे थे वो मिस हो गया है। रिब बुनाई जो है स्पेशली बॉर्डर्स पर की जाती है, जैसे कि गले के बॉर्डर पर, स्वेटर में नीचे के बॉर्डर पर, बाजू में जो बॉर्डर होता है वहां पर। ठीक है, तो ये स्पेशली बॉर्डर पर रिब बुनाई की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो गले के बॉर्डर पर ये बुनाई होती है, आपने देखा ही होगा, या फिर नहीं देखा है तो अभी जाकर आप जो इस टाइम पर आप स्वेटर पहन रहे हो तो उसमें जाकर देखिए, बॉर्डर पर आपको रिब बुनाई मिलेगी। फिर है परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है, चरित्र लेखन विधि, अनौपचारिक नियंत्रण निरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परिस्थिति विश्लेषण का मतलब है सिचुएशन एनालिसिस, तो इसका दूसरा आंसर है अनौपचारिक तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि यानी कि इनफॉर्मल अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अल्पना कहाँ से है, बंगाल से है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार से। तो अल्पना जो है ये बंगाल, वेस्ट बंगाल की है। तो जो ये अल्पना है ये रंगोली का ही एक प्रकार है और ये वेस्ट बंगाल में कोई भी ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसमें चावल या फिर गेहूं के आटे से जो है अल्पना तैयार की जाती है वेस्ट बंगाल में। ये स्पेशली कोई ओकेजन होता है, फेस्टिवल में ये बनाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन में नहीं है, शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय या फिर डिम्बवाही नलिका। तो देखिए अंडाशय यानी कि ओवरी, गर्भाशय का मतलब है यूट्रस, डिम्बवाही नलिका का मतलब है फैलोपियन ट्यूब, तो ये तीनों ही फीमेल जेनिटल ऑर्गन है। यहाँ पर कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका यानी कि शुक्राणु से शुक्रवाहिका, ये ध्यान रख सकते हो, इंग्लिश में इसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो है मेल जेनिटल ऑर्गन है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है, विनियोग का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यहां पर मैं इंग्लिश इसलिए लिख दे रही हूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, वैसे मैं इसका इंग्लिश PDF भी शेयर कर दूंगी। जीवन बीमा अल्पकालीन विनियोग, बटुआ या फिर दीर्घकालीन विनियोग, विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट, जिसे आप इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे को। जीवन बीमा में लाइफ इंश्योरेंस, ये भी आप LIC करवाते हो, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कराते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो, लेकिन बटुआ वॉलेट ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर है मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाए, मर्सराइजिंग फिनिश में कौन सा रसायन केमिकल का यूज किया जाता है, अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। फिर है 22 क्वेश्चन, अनिवार्य बचत का उदाहरण है कंपल्सरी सेविंग, सामान्य भविष्य निधि इसको बोलते हैं GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, बैंक जमा यानी कि बैंक डिपॉजिट, और जीवन बीमा यानी कि LIC, और जन भविष्य निधि यानी कि PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सॉरी, तो अनिवार्य बचत का उदाहरण है तो ये है आपका GPF। देखिए बैंक डिपॉजिट आप अपने मन से करते हो, LIC भी आपकी इच्छा होती तभी करवाते हो, PPF भी ये सबके लिए होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो इसमें भी आपकी इच्छा होती है आप तभी इसको खुलवा सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो GPF है ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका GPF खाता होता है, जैसा अभी प्रेजेंट टाइम पर तो आप NPS चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, तो GPF को खत्म कर दिया गया है, लेकिन
प्रेजेंट टाइम में इसी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि जीपीएफ को, जो पुरानी पेंशन योजना है, जीपीएफ जिसे कि हम पुरानी पेंशन योजना बोलते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसको पहले फिर से लेकर आया जाए। ठीक है, ये 2005 तक ही था, 2005 से इसको खत्म कर दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम चल रही है जिसे कि एनपीएस बोलते हैं। तो जीपीएफ में क्या होता था कि जैसे जब रिटायरमेंट हो जाता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो उसके बाद में कुछ मैच्योरिटी एक साथ मिलती थी, उसके बाद में हर महीने जितनी लास्ट सैलरी रहती थी एम्प्लॉय की, उसका 50% जो है पेंशन के रूप में उसको हर महीने मिलता था। तो ये था, ये जीपीएफ का फायदा था। ठीक है, ये पुराने जो 2005 तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन पर ये लागू होता है। लेकिन अब क्या है, न्यू पेंशन स्कीम आ गई, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है जितनी भी सैलरी आती है उसका 10% जो है एनपीएस में जाता है। और इसमें भी यही प्रावधान है कि इसमें जो है मेच्योरिटी मिलेगी एक साथ, और उसके बाद में जो है हर महीने जो है पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो, हमेशा न्यूज में आ रहा है कि जितना मतलब पैसा जमा हो रहा है सैलरी का, उसका बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये है 1945 में हुई है। और इसका जो वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम शॉर्टकट में WHO कहते हैं, इसका अगर हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है। फिर है निकोलियम डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, तो अभी जस्ट हमने निकोलियम डॉर्सी को पढ़ा है। मानवीय संसाधन में उन्होंने किसको रखा था, समय को रखा था, समय शक्ति और धन को मानवीय में रखा था। ग्रॉसम क्रॉन्डल ने अमानवीय नॉन ह्यूमन में रखा था। एक मिनट जरा हम इसको फिर से देख लेते हैं, अदरवाइज आंसर गलत हो जाए। निकोलियम डॉर्सी ने सॉरी अमानवीय में रखा है, तो और ग्रॉसम क्रॉन्डल ने मानवीय में रखा है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है निकोलियम डॉर्सी का मानवीय संसाधन है, तो यहां पर इन्होंने अमानवीय में रखा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कुशलताएं ज्ञान एवं शक्ति, इसको निकोलियम डॉर्सी ने मानवीय संसाधन में रखा। इन्होंने अमानवीय में समय को रखा है, समय को किसने रखा है मानवीय में, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने। फिर है लास्ट क्वेश्चन 25- बच्चे के शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है क्या, खेल खाना चिल्लाना या फिर अनुपूरक लेना। तो बच्चे के शारीरिक मानसिक यानी कि फिजिकल मेंटल सोशल और मॉरल जो क्वालिटीज है उनका विकास कौन करता है, तो ये खेल मतलब प्ले, खेल एक ऐसा है जो कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के साथ में मिलकर के खेलते हैं, और नैतिक गुणों का, क्योंकि गेम्स के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर मोरालिटी आती है। मानसिक दिमाग का तो विकास होता ही, और फिजिकली भी वो विकसित होते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर है खेल। चलिए, इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आप टेलीग्राम पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। हेल्थ आपकी अच्छी होगी तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर सकोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।